देर रात पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की तरफ से सांझे तौर पर जेल अंदर बंद कैदियों के बैरिकों की अचानक चेकिंग की गई। करीब 4 घंटे चली इस सर्च अभियान दौरान पुलिस की तरफ से 4 मोबाइल फोन और 2 चार्जर निर्यात किए गए। फिलहाल जेल प्रशासन की शिकायत और आरोपिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। कल असी तकरीबन रात को 10:30 के करीब सर्च अभियान जिहड़ा शुरू किया सीगा जेल डिपार्टमेंट के नाल मिलके, तो सारिया ही बैरिकस चैक की गई, सारे उन्होंने सैल चैक किए गए, तो उतों तकरीबन सानू 4 मोबाइल तो 2 चार्जर तो उहदे नाल रिलेटड अडाप्टर वगैरह इहोजा समान उतों सानू कल बरामद होया। ये तकरीबन 6 से 7 घंटे रात को साडा सर्च अभियान जिहड़ा चलता रहा। बड़ी ही बरीकी नाल मन्यूटली सारी चैकिंग की गई है, पर मोबाइल्स तो अलावा होर कुछ नहीं मिला। ये हुण असी इहदा मुकदमा दर्ज करके इहदी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वह कर रहे हैं, और जिवें कोई गल सामने आएगी फिर उहदे मुताबिक जिहड़ी फर्दर कार्रवाई की जाएगी। जेल प्रशासन सारा नाल सी, जेल डिपार्टमेंट के सारे इंपलाइज, उन्होंने इंचार्ज, जेल जेल के सुपरिटेंडेंट साहब सारे नाल सी। सर, ये जो मोबाइल मिला है कि गैंगस्टर ने बैरक से मिला या दूसरे? नहीं, ये दूसरी बैरक से मिला सिंपल जड़िया। सर, इस जेल दे विच होर भी किन्ने खूंखार गैंगस्टर हैगे? इत्थे तकरीबन 6 गैंगस्टर 1 बैरक च ने ते 7 1 बैरक च ने। नहीं, इहो जी कोई गल फिलहाल सामने नहीं आई। तकरीबन असीं 100 दे करीब मुलाजम सीगा। नहीं, ये साड़ी समय समय के उत्ते साड़ा जिहड़ा बयान चलता रहिंदा, ये उहदा ही एक नतीजा सीगा। देश विदेश टीवी के लिए फरीदकोट से गगनदीप सिंह और अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। नवियां अते ताज़ियां खबरां देखने लई साडे यूट्यूब चैनल देश विदेश टीवी नू लाइक शेयर सबसक्राइब किया जाए।